तो आज करनी है मिस्टी की डिवॉर्मिंग। ये है मिस्टी की डिवॉर्मिंग टैबलेट कीवॉफ प्लस। और अभी करते हैं, मिस्टी को ढूंढते हैं। मिस्टी छुप जाती है, वो बैठी है, मैंने इसके छुपने वाला टेबल हटा दिया है, तो ये यहाँ पे बैठी है। बहुत डर जाती है दवाई की बात से, कोई भी दवाई हो, सप्लीमेंट ही क्यों ना हो, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर पिलाना तो ज़रूरी है। और फिर उसके बाद इसको बनाते हैं पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में मैं इसको दबा के, इसको कूट के बना देती हूँ, क्योंकि मिस्टी ऐसे तो खाएगी नहीं। फिर इसको, मिस्टी बहुत डरी हुई है क्योंकि दवाई दवाई मैंने बोल दिया था कई बार, पर बोलो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो खाती नहीं है, खिलाना तो मुझे ही है। तो ये बन गई है सिरप फॉर्म में, फिल्टर्ड वाटर डाल के इसमें, और अब इंजेक्शन की हेल्प से हम इसे खिलाएंगे। थोड़ा सा मैसी हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिवॉर्मिंग टैबलेट आपके डॉग के लिए, क्योंकि पेट में कीड़े हो जाते हैं अगर नहीं करो तो, हर 2 से 3 महीने पे एक बार करनी होती है। तो ऐसे मुझे मिस्टी को खिलाना पड़ता है, क्योंकि मिस्टी बिल्कुल नहीं खाती है, इसने अपना मुंह बंद कर लिया है इस टाइम पे, मुंह नहीं खोलती है वो, ज़बरदस्ती उसके मुंह में डालना पड़ता है, और वो सब गुल करती है बाहर की तरफ। बहुत मुश्किल होता है ये फेस, ख़ासतौर से बस डिवॉर्मिंग टैबलेट का, सप्लीमेंट्स तो ये पी लेती है इंजेक्शन से। तो फिर इस तरीके से मिस्टी डिवॉर्म हो गई, ऑल फ्रेश एंड नाइस, 2-3 महीने की छुट्टी हो गई डिवॉर्म करके, और सप्लीमेंट्स तो चलते रहते हैं हर हफ्ते। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग गाइज।